जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब? दोस्तों मैं हूं फिलहाल उस एरिया में जहां किसी ज़माने में चोला वंश का साम्राज्य हुआ करता था, यानी मैं हूं चेन्नई में। और ये जो एरिया है पूरा, इसे कहा जाता था चोलामंडलम। जो हमारा साउथ ईस्ट का जो कोस्टल एरिया है, यानी जो हमारा पूर्वोत्तर जो कोस्टल एरिया है, उसको चोलामंडलम ही कहा जाने लगा। और जिस ट्रेन में हम यात्रा करने वाले हैं उसका नाम उसी से पड़ा, कोरोमंडल एक्सप्रेस, जो कि चेन्नई सेंट्रल से हावड़ा के बीच चल रही है और 1997 से लगातार अपनी सर्विस प्रोवाइड कर रही है, क्योंकि ये डेली ट्रेन है। बहुत ही अच्छी सर्विस होने वाली है, क्योंकि ये ट्रेन यहाँ से 8:45 छूटती है और हावड़ा अगले दिन 11:30 बजे पहुँचती है। तो ऐसे में आपको बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलेंगी इस रूट में। मेरे लिए भी ये रूट नया है, मैं पहली बार इस रूट में ट्रैवल कर रहा हूँ, तो जो जर्नी एक्सपीरियंस मेरा होगा वही आपको शेयर करूँगा मैं। देख सकते हो कितना खूबसूरत रेलवे स्टेशन है चेन्नई सेंट्रल, हमारे सामने है। यहाँ पर बस स्टॉप है, जैसे आप स्टेशन के बाहर निकलते हो ना, आपको एक बस स्टॉप मिलता है, यहाँ से आप बसेस ले सकते हो। और वो जो एरिया दिख रहा है आपको पीछे का एरिया, वहाँ जा सकते हो आप अगर आपको खाना पीना है। साउथ में हो यार, इडली डोसा वड़ा नहीं खाया तो फिर क्या खाया, तो वहाँ जा सकते हो खाने पीने के लिए। मैं भी जाता हूँ, कुछ खाता पीता हूँ, फिर निकलता हूँ स्टेशन और आपको दिखाता हूँ हमारी ट्रेन कौन से प्लेटफॉर्म से जा रही है और कैसा है, मतलब उसका कोच पोजीशन वगैरह। मेरा टिकट है AC2 टायर में, अपर बर्थ मिली है, विंडो तो नहीं मिली है, लेकिन कोशिश करूँगा कि जर्नी एक्सपीरियंस में कुछ कमी ना रहे। तो चलिए शुरू करते हैं इस जर्नी को। हल्का सा ब्रेकफास्ट और फिर आप लोग से मिलता हूँ स्टेशन में। दोस्तों मैंने यहाँ पे ऑर्डर किया था मसाला डोसा और वड़ा, जो कि आ चुका है। मैं इसे फिनिश करता हूँ फिर चलते हैं स्टेशन और देखते हैं क्या हाल है वहाँ। तो दोस्तों हमारी कोरोमंडल एक्सप्रेस प्लेटफॉर्म नंबर 8 से चलने के लिए अब तैयार है। ये लोकोमोटिव हमें लेकर के आगे नहीं जा रहा है, ये केवल शंटिंग ड्यूटी के लिए आया था, क्योंकि आप देख सकते हैं चेन्नई सेंट्रल जो रेलवे स्टेशन है वो टर्मिनेटिंग स्टेशन है, इसके आगे ट्रेनें नहीं जाती हैं, जो भी ट्रेन आती हैं यहीं से रिवर्सल लेती हैं। भारत में केवल 4 सेंट्रल रेलवे स्टेशन है, एक जहाँ से मैं हूँ कानपुर सेंट्रल, एक जहाँ अभी मैं फ़िलहाल हूँ हमारा चेन्नई सेंट्रल, और बाकी दो हैं त्रिवेंद्रम सेंट्रल और मैंगलोर सेंट्रल, जहाँ अभी हमारा जाना बाकी है। वैसे मैं गया हुआ हूँ पर आप लोग को दिखाना बाकी है, तो जल्दी पहुँचेंगे वहाँ भी। यहाँ तो काफ़ी भीड़ लगी हुई है, सामान की लोडिंग चल रही है ट्रेन में। पहुँचते हैं कोच के अंदर, A1 कोच पीछे से काफ़ी पास दिखा रहा है, तो चलते हैं कोच के अंदर और फिर अपनी जर्नी को यहाँ शुरू करते हैं। दोस्तों हमारी ट्रेन खुल गई थी और मैं आ गया लोकोमोटिव के पास, आप लोगों को लोकोमोटिव दिखा दूँ ताकि ट्रेन में अराकोणम शेड का WFE4 लोकोमोटिव लगा हुआ है। WFE4 की मैक्सिमम स्पीड लिमिट तो 140 किलोमीटर है, पर हमारी ट्रेन की स्पीड तो 110 है, तो आज हम 110 की रफ्तार का मजा लेंगे WFE4 के पीछे। ये रहा लोकोमोटिव, आप 10 मिनट बचे ट्रेन के छूटने में, जल्दी से चलते हैं ट्रेन के अंदर और इस जर्नी को शुरू करते हैं यहाँ से। दोस्तों एग्जैक्टली 8:45 हमारा डिपार्चर हो चुका है चेन्नई सेंट्रल से, बढ़ चुके हैं अब हावड़ा की ओर। काफ़ी बड़ा रेलवे स्टेशन है चेन्नई सेंट्रल, अलग अलग रूट से यहाँ ट्रेनें आते हैं, जिसमें जैसे कि आप लोग जानते हैं बैंगलोर से मैं यहाँ पे आया और त्रिवेंद्रम से भी रूट यहाँ पे आता है, दिल्ली रूट आता है, हावड़ा रूट आता है, भुवनेश्वर, विजयवाड़ा, बहुत सारे जगह की ट्रेन आती हैं यहाँ पे, और साउथ की मदुरई तरफ जाने वाली ट्रेन भी यहीं से जाती हैं। और एक और स्टेशन है चेन्नई में, चेन्नई एगमोर, जो कि मतलब बॉटम साउथ की ट्रेन को देखता है, आप यही कह सकते हो, क्योंकि ज़्यादातर जो एकदम साउथ की ट्रेनें वो चेन्नई एगमोर से शुरू होती हैं। दिल्ली साइड, बैंगलोर साइड, त्रिवेंद्रम साइड, हावड़ा साइड की ट्रेनें चेन्नई सेंट्रल से ओरिजिनेट होती है। जो दूसरा स्टेशन वो भी यहाँ से काफ़ी पास है, तो आप लोग अगर कभी जा रहे हो टूर तो इस चीज़ का ध्यान रखना है, चेन्नई सेंट्रल और एगमोर अलग अलग स्टेशन है। पीछे खड़ा हुआ है हमारे लोकोमोटिव जो कि शंटिंग ड्यूटी पे है, तो ये है WDM7 नंबर 1104। हमारी यात्रा आज शुरू होती है, एंजॉय करिएगा मेरे साथ इस जर्नी को, पूरा देखिएगा क्योंकि बहुत मज़ा आने वाला है, फूड रिव्यू वगैरह सब कुछ करेंगे इस जर्नी में।
दोस्तों जैसे ही हमारी ट्रेन चेन्नई सेंट्रल रेलवे स्टेशन से बाहर निकलती है तो अगर आप लोग राइट साइड हैं तो यहाँ पे कोच का यार्ड है और साथ में आपको लोकोमोटिव्स भी खूब सारे देखने को मिल जाते हैं, जैसे कि WP7 लोकोमोटिव्स, WP4 लोकोमोटिव्स और तरह तरह के शेड के आपको यहाँ देखने को मिलते हैं, कई संतराघाची के, ईरोड के, RPM के और बहुत सारे शेड के लोकोमोटिव्स आपको यहाँ देखने को मिलेंगे। मुगल सराय शेड के भी लोकोमोटिव्स मैंने कई बार यहाँ पे देखे हैं दोस्तों। और हमारी ट्रेन अब धीरे धीरे निकल चुकी है अपनी यात्रा की ओर और चेन्नई सेंट्रल से निकलते ही बेसिन स्टेशन आता है, यहीं से दिल्ली की ओर जाने वाली लाइन यानी विजयवाड़ा की ओर जाने वाली लाइन और बेंगलोर की ओर जाने वाली लाइन अलग हो जाती है। सामने जो ट्रेन आपको खड़ी हुई दिख रही है वो है जयपुर चेन्नई एक्सप्रेस। तो आप लोग इंजॉय कीजिए थोड़े ट्रैक साउंड को, मैं मिलता हूँ आपसे तुरंत ही। जयपुर चेन्नई सेक्शन आप देख सकते हैं, दोनों तरफ ब्राउन ब्राउन घास है लेकिन फिर भी अभी तक तो अच्छी लग रही है ट्रेन। और ये है 2AC की रीडिंग लाइट, यहाँ से आप पढ़ सकते हैं। ये है कुछ साइड लोअर का इंटीरियर, चार्जिंग सॉकेट दिया हुआ है, इतना स्पेस है, आराम से हम लोग ऐसे पैर फैला के इसमें बैठ सकते हैं। यहाँ पे प्राइवेसी के लिए पर्दे दिए रहते हैं, वो एक बेस्ट चीज़ होती है 2AC के लिए, कोई डिस्टर्बेंस नहीं है, बाहरी दुनिया से कोई कनेक्शन नहीं। मेरी साइड लोअर नहीं है ये खाली, इसलिए मैं यहाँ बैठा हुआ, मेरी अपर सीट मिली हुई है जहाँ अभी पूरा पैक है। नीचे दो सीनियर सिटीजन्स हैं तो अभी से आराम करने लेट चुके हैं, इसलिए मैंने सोचा आप लोग से बात करने के लिए और वीडियो बनाने के लिए थोड़ा जो सीट खाली है वहाँ बैठता हूँ, यहाँ बैठा हूँ आराम से, और भी बहुत सारी चीज़ें दिखाऊंगा, फूड रिव्यू वगैरह भी। तो कंटिन्यू करते हैं इस जर्नी को। अभी ट्रेन में हमने ली है आलू चाप और मुझे तो ये बड़े जैसा लग रहा है, मुंबई के जो हमारा वड़ा पाव होता है वैसा। तो इसमें ट्रेन में इसको आलू चाप कहा जा रहा है और ये 10 रुपये का एक है, दो लेने पड़े क्योंकि मिनिमम 2 अलाउ है। टेस्ट करने के लिए मैं लिया, आप लोगों को बताता हूँ कैसा है। अगर आप लोग कोरमंडल में ट्रैवल करें तो इसे ज़रूर ट्राई करिएगा। वड़े से थोड़ा ज़्यादा स्पॉन्जी है, इंडियंस है, आलू तो ज़रूरी खाएंगे चाहे वड़े में हो चाहे समोसे में हो।
नाम भले अलग कर दो, आलू चाप कर दो। काफ़ी अच्छा लगा, किस अच्छा से अप्लाई कर सकते हो जब ट्रेन में ऑन बोर्ड हो। ओवरऑल रेटिंग दूंगा इसे मैं 10 में से 7। तो अगर आप लोग यात्रा में ट्राई कर सकते हो एज ए ब्रेकफास्ट चाय के साथ, अच्छा लगेगा काफ़ी। और अभी इसके बाद हम लोग गुडू स्किप करने वाले हैं, गुडू दिखाता हूँ तो उसके बाद में आप लोगों को दिखाता हूँ विजयवाड़ा की कृष्णा नदी, बहुत विशाल का, बहुत विशाल का है। दिखाता हूँ पहले ये सब फिनिश करते हैं, गुडू स्किप दिखाता हूँ फिर वो भी देखने को मिलेगा इस वीडियो में। दोस्तों आपसे कुछ ही समय में हम लोग पहुंचने वाले हैं गुडू, हमारा स्टॉप नहीं है गुडू में, ट्रेन स्किप करेगी गुडू जंक्शन को और 5 मिनट का लेट है अप डाउन पर स्टॉप तो है, खैर अच्छी बात है। गुडू को जंक्शन इसलिए कहते हैं क्योंकि गुडू में रेनीगुंटा से आने वाली लाइन भी मिलती है, मतलब जो तिरुपति से आती है रेनीगुंटा होते हुए वो लाइन भी यहीं पर मिलती है, तो इसलिए गुडू को जंक्शन कहा जाता है। और हम लोग अब इसे स्किप करने वाले हैं, आज का है गुडू रेलवे स्टेशन, आप लोग देखिए गुडू स्किप। तो दोस्तों आप लोग जो सामने की ओर से ट्रैक आता हुआ देख रहे हैं ये आ रहा है रेनीगुंटा की तरफ से, और यही ट्रैक आगे अरकोणम जंक्शन जा कर के भी मिलता है। जो बेंगलोर और साउथ से आने वाली गाड़ियां हैं यानी तिरुवनंतपुरम तरफ से जो हावड़ा की ओर जाती हैं वो यही रूट लेती हैं, अरकोणम से रेनीगुंटा होते हुए गुडूर में जा कर के ट्रैक मिलता है और आगे की ओर जर्नी विजयवाड़ा होते हुए पूरी करती हैं हावड़ा की ओर या भुवनेश्वर तरफ वाली ट्रेन। दोस्तों हमें उम्मीद थी कि ट्रेन को यहाँ पर नहीं रोका जाएगा पर गुडूर में ट्रेन को रोक दिया गया है, सिग्नल नहीं मिला, अभी खैर ग्रीन हो चुका है जैसे मैं उतरा यहाँ पे, जब हमारी ट्रेन आई थी तो उसे यहाँ पर रोक दिया गया था स्किप होने के बावजूद। अच्छा है जो हमारे जो पैसेंजर्स हैं उनको खाने पीने की और चीज़ें वैरायटी मिल जाएगी गुडूर में। तो ऐसा है कुछ हमारा गुडूर रेलवे स्टेशन गुडूर जंक्शन, चलिए देखते हैं यहाँ से डिपार्चर, स्किप होने वाला था लेकिन अब आपको डिपार्चर देखने को मिलेगा। दोस्तों जो सामने से ट्रेन आ रही है वो है पाटलिपुत्र यशवंतपुर एक्सप्रेस जो कि हाल ही में एलएचबी हुई थी।
कोरोमंडल काफ़ी अच्छी ट्रेन है जिसके कारण इसका नेल्लूर रेलवे स्टेशन में स्टॉप नहीं दिया गया है और अभी हम लोग पार कर रहे हैं नेल्लूर रेलवे स्टेशन को बिना रुके हुए। और नेल्लूर रेलवे स्टेशन पार करते ही एक बहुत अच्छा ब्रिज आता है, देखते हैं वहाँ पानी भरा हुआ है कि नहीं। चेन्नई की ओर जाने वाली ट्रेन हल्दिया चेन्नई एक्सप्रेस। तो दोस्तों जिस पल का इंतज़ार था वो आने वाला है। वैसे अभी जो आपने ट्रेन क्रॉस होते हुए देखी वो थी हज़रत निज़ामुद्दीन से चेन्नई के बीच चलने वाली चेन्नई दुरंतो एक्सप्रेस। और अभी हम लोग पहुंचने वाले हैं विजयवाड़ा जंक्शन। 3 बजे का अराइवल है ट्रेन का, पर थोड़ा लेट हो चुकी है, देखते हैं कब तक पहुँचेगी। आपको वहीं स्टेशन में मैं बताता हूँ कब तक पहुँचेगी। पर फिलहाल सबसे अच्छी बात यह है कि जो मेन चीज़ है इस रूट की, कृष्णा रिवर, वो आने वाली है। देखिए बहुत ही विशाल है, बहुत ही सुंदर है। तो चलिए देखते हैं कृष्णा नदी को पार करते हमारी कोरमंडल एक्सप्रेस। दोस्तों हमारी ट्रेन ब्रिज के ऊपर रुक चुकी है।
अलग ही फीलिंग है। मतलब आप देख सकते हो नीचे कितनी हाइट है और रेत ही रेत है नदी इस तरफ। हम हैं फिलहाल कोरोमंडल एक्सप्रेस में जो कि चेन्नई से हावड़ा के बीच चलती है और ट्रेन को ब्रिज में रोक दिया गया है। आगे सिग्नल ना होने के कारण आधी ट्रेन ब्रिज में है, आधी ट्रेन पीछे लाइन में है। चलिए इस तरफ से भी दिखा दूँ आपको, बहुत ही कमाल की नदी है ये, देख सकते होंगे आप लोग। लोग तो उतर भी गए नदी में, बहुत सारे लोग उतर गए हैं। वाओ, अलग ही लेवल का एक्सपीरियंस है यार यहाँ पे। दोस्तों अभी आप लोगों ने जो सामने से ट्रेन को क्रॉस होते हुए देखा है, LHB ट्रेन, वो थी नई दिल्ली से तिरुवनंतपुरम के बीच में चलने वाली केरला एक्सप्रेस, जो कि डेली ट्रेन है और बहुत ही अच्छी ट्रेन भी है। कोशिश करूंगा कि जल्द ही उसमें यात्रा करने का मुझे मौका मिले। फिलहाल तो आप देख सकते हो कितना गहरा है ये ब्रिज। हम लोग अभी पार कर रहे हैं कृष्णा नदी को और जो विजयवाड़ा शहर है वो कृष्णा नदी के किनारे ही बसा हुआ है। काफ़ी खूबसूरत शहर है जो कृष्णा नदी के किनारे बसा हुआ है और ये जो ब्रिज है ये बहुत ही विशालकाय है। और जब ट्रेन ऐसे ब्रिजों से गुजरती है तो एक अलग ही फील होता है। आप लोगों ने तो एक्सपीरियंस किया ही होगा, अपने एक्सपीरियंस को मुझसे शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। और मैं ज़रूर जानना चाहूँगा अगर आप लोगों ने कोरोमंडल एक्सप्रेस में भी यात्रा की है तो। फिलहाल फाइनली हम लोग पहुंच चुके हैं विजयवाड़ा रेलवे स्टेशन और सामने आप लोगों ने अभी लोकोमोटिव्स के शेड को भी देखा। दोस्तों फिलहाल हम लोग विजयवाड़ा पहुंच चुके हैं समय से 15 मिनट की देर से। हमारे साथ हैं आर्यन और हमारे साहिब। चैनल का अपना लिंक दे दो, नाम दे दो। मेरा द रेलोपीडिया चैनल है।
और अभी कुछ टाइम के लिए मतलब वीडियोस अपलोड नहीं कर रहा हूँ, पर जल्दी आने वाले हैं भाई। और सही आपका? मेरा रेल फैंस व्लॉग बस आए देवांश, तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगा, पहुँचिएगा और ढेर सारे वीडियोज। और दोनों ही भाई खाना लेके आए मेरे लिए यार, काफ़ी अच्छा लगा, थैंक्स अ लॉट मेरे प्यार के लिए। चलो मैं आप लोग से मिलता हूँ सीधा विजयवाड़ा डिपार्चर पे, और तब तक इन लोगों से बात कर लेता हूँ थोड़ा। दोस्तों वैसे तो डिपार्चर यहाँ से 3:15 का है, पर 3:30 हमारी ट्रेन अभी विजयवाड़ा जंक्शन से चल चुकी है। काफ़ी भीड़ यहाँ से चढ़ी है, मतलब क्या बताऊँ आप लोगों को, डिपार्चर लेने का भी मौका नहीं मिल पाया, उन लोग को ढंग से बाय भी नहीं कर पाया मैं, पर आए तो बहुत अच्छा लगा। काफ़ी भीड़ यहाँ चढ़ी है, जैसे ही ट्रेन का डिपार्चर हुआ 7-8 लोग आगे से चढ़ गए, तो यार डिपार्चर भी ढंग से नहीं ले पाया। फिलहाल आप लोग देखिए यहाँ से डिपार्चर, फाइनली हम लोग विजयवाड़ा से चल चुके हैं। प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर पहुंची थी विजयवाड़ा के हमारी कोरोमंडल एक्सप्रेस, ट्रेन नंबर है 12842। लगभग 15 मिनट के डिले के साथ यहां से डिपार्चर हुआ है, और फाइनली विजयवाड़ा अब छूट चुका है। यहां से दिल्ली लाइन अलग हो जाती है और हम लोग बढ़ जाएंगे हावड़ा की लाइन की ओर। यहाँ से हमारी दिल्ली लाइन अलग हो रही है दोस्तों, और हम लोग बढ़ रहे हैं हावड़ा की ओर। अब देख सकते हैं लोकोमोटिव्स खड़े हुए हैं। तो दोस्तों फाइनली विजयवाड़ा से तो हम लोग चल चुके हैं, और अब बढ़ चुके हैं पूर्वी तटों की ओर, ईस्टर्न कोस्ट की तरफ। काफ़ी अच्छी रहने वाली है जर्नी, मुझे तो बहुत सारी उम्मीद है, देखते हैं कैसी रहती जर्नी। मेरा तो पहला एक्सपीरियंस है इस रूट में, और विशाखापट्टनम अराइवल, राजामुंडी, गोदावरी नदी, ऐसी बहुत सारी चीज़ें अभी बाकी हैं जो वीडियो में आने वाली हैं, इस वीडियो को पूरा देखिएगा। यहाँ तक तो काफ़ी मज़ा आया, और मैं फिर से धन्यवाद देना चाहूँगा साई को और आर्यन को आने के लिए विजयवाड़ा में मुलाकात के लिए। और हम लोग अब निकल चुके हैं विजयवाड़ा नॉर्थ ईस्ट केबिन से, चलिए चलते हैं ट्रेन के अंदर और फिनिश करते हैं लंच और आगे जर्नी को कंटिन्यू करते हैं। बहुत ही ज़्यादा ग्रीन रास्ता अब आया है, मतलब ये जो सेक्शन है बहुत ही सुंदर है, दोनों तरफ हरियाली है, हरा भरा, मतलब जो सराउंडिंग है बहुत ही सुंदर है, पानी भी भरा हुआ है आप लोग देख सकते हैं करीब से यहाँ पे। तो चलिए कोशिश करता हूँ कुछ बाहर से आपको शॉट्स दिखाने के इस जर्नी के। इसके बाद हम लोग पहुँचेंगे गोदावरी नदी को देखने, जो कि आती है हमारे राजामुंडी से पहले, वो भी बहुत ही कमाल की है। तो चलिए पहले चल के इसे बाहर से देखते हैं। तो दोस्तों ये वीडियो यहीं पे एंड करता हूँ, काफ़ी लंबा हो चुका है ये वीडियो, जल्दी मिलूँगा आप लोगों से इस वीडियो के सेकंड पार्ट में, जहाँ पे हम लोग यात्रा करेंगे विजयवाड़ा से विशाखापट्टनम तक, और इस वीडियो के तीसरे पार्ट में आपको विशाखापट्टनम से हावड़ा तक की जर्नी देखने को मिलेगी। बहुत सारी सुंदर चीज़ें आप लोगों का इंतजार कर रही है, जैसे गोदावरी का बड़ा सा ब्रिज, और उसके बाद हावड़ा रूट में जो ट्रेनों का रन होता है बहुत ही सुंदर है, विशाखापट्टनम में अराइवल डिपार्चर, राजामुंडी में अराइवल डिपार्चर, ऐसी बहुत सारी चीज़ें आप लोगों का इंतजार कर रही हैं। मिलेंगे जल्दी अगले आने वाले पार्ट्स में, तब तक आप लोग ख्याल रखिएगा अपना, जल्दी मिलेंगे ऐसे ही बहुत सारी जर्नी में, बहुत सारे ट्रेन रिव्यूज़ में। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों। मेरी ट्रैवलिंग अपडेट्स के लिए और मुझसे करीब से जुड़ने के लिए इंस्टाग्राम में मुझे फॉलो करना बिल्कुल ना भूलें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करिए, ताकि आपको ऐसे ही और बहुत सारे वीडियोस मिलते रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।